हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में एक टेस्टिंग करने वाले हैं और आप देख भी रखे होंगे हमारे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में एक ड्रिल मशीन है और ये ड्रिल मशीन का हम यूज़ करेंगे। हालांकि इसका हम यूज़ करते हैं नॉर्मली एसी करंट से, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से जो हमारे घरों में आता है, लेकिन आज हम जो करने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल टेस्टिंग करके देखने वाले हैं। और वो टेस्टिंग ये होगा कि इसका हम यूज़ करेंगे सोलर पैनल से। जी हाँ, हम पैनल से डायरेक्टली एसी में चलने वाला ड्रिल मशीन का यूज़ करके देखेंगे क्या सोलर पैनल से डायरेक्टली ड्रिल मशीन चलता है या नहीं चलता है। हालांकि जो ये ड्रिल मशीन है, मैं आपको बता दूँ कि ये कितने पावर लेता है, तो ये 400 वाट का ड्रिल मशीन है, 400 वाट का है, और ये 220 वोल्ट पे ये चलता है। और हमारे पास जो पैनल है, जो हम पैनल पे टेस्टिंग करने वाले हैं, वो पैनल जो है लगभग 300 वाट का तो है, लेकिन उसका वोल्टेज जो है वो 50 से ऊपर आ रहा है, लगभग 70 के आसपास, 60 के आसपास वोल्ट आता है। तो 60 वोल्ट पैनल दे रहा है, लेकिन हम चेक क्या करेंगे 220 वोल्ट वाले ड्रिल मशीन को। तो ये टेस्टिंग हमें देखना है, सिर्फ चला के नहीं देखना। अगर मान लो ये चल गया, मतलब ये मान लो वर्क कर रहा है, ये घूम रहा है, तो ये क्या होल कर पा रहा है किसी भी चीज़ में, अगर ये होल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो ये भी हम चेक करके देखेंगे। हम इस पर बिट लगाएंगे, बिट लगाने के बाद हम इसका टेस्टिंग करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो अभी का टाइम है ना, ये गर्मी का टाइम नहीं है, अभी जो है लगभग ये नवंबर का टाइम चल रहा है। तो नवंबर के टाइम में धूप जानते ही हो कि बहुत कम आता है, ठीक है। तो एक तो धूप कम आता है तो एम्पेयर भी कम मिलेगा, तो एम्पेयर कम, एक तो एम्पेयर कम, वोल्टेज कम, ठीक है। और ऊपर से ये ड्रिल मशीन जो 220 वोल्ट से चलने वाला है, तो चलिए फटाफट इसका स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं क्या ये एसी से चलने वाला, अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाला ड्रिल मशीन जो कि 220 वोल्ट में वर्क करता है, ये एक सोलर पैनल पे काम करेगा या नहीं करेगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी पैनल के पास आ गए हैं। ये देखो, बाईफेसियल सोलर पैनल रखा हुआ है और यहाँ पर हम जो कनेक्टर देख रहे हो, MC4 कनेक्टर, उसे हम लगाएंगे। वो कनेक्टर को हम पैनल पे लगाएंगे। तो एक एक करके पैनल पे हम लगाते हैं, जैसे मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर जो है, तो इसे हम इस तरह से ये देखो टाइट कर दिया, और उस वाले कनेक्टर को भी हम तो यहाँ पे लगा देंगे, ताकि हम ड्रिल मशीन जो है वो आसानी से हम इस पर लगा सके और ये वर्क करे। चलो, ये वाला काम तो हमारा हो गया। और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया है वायर, और यहाँ पे हमें सॉकेट दिया है। सॉकेट इसलिए दिया था ताकि ड्रिल मशीन जो है हम इसमें कनेक्ट कर सके। देखो, ये हमने ड्रिल मशीन रखा है और हमने बिट भी रखा है। मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि ये जो लगा हुआ कनेक्शन सोलर पैनल से, ऐसा ना लगे कि ये हमने एसी कनेक्ट किया। यहाँ देखो, ये सोलर पैनल से वायर आया हुआ है और यहाँ पे कनेक्ट है सॉकेट में, आप देख पा रहे हो। चलो, अब क्या करते हैं, हम इसको ऑन करते देखते चलता है कि नहीं। वाओ, ये तो घूम रहा है और ये अच्छा खासा स्पीड दे रहा है ये। हालांकि एसी में चलने वाला जैसे यूज करते हैं उस तरह का स्पीड तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो स्पीड नहीं है, लेकिन कम है स्पीड है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्पीड है एक सोलर पैनल से। तो यहाँ हम देख पाएंगे। चलो, हम बिट लगा के देखते हैं, एक हम बिट यूज करते हैं, फिर देखेंगे इसमें कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो एक हम बिट ले लेते हैं, छोटा सा पतला सा, और इसे तो फ्रेंड देखो, हमने बिट लगा दिया है और ये घूम भी रहा है अच्छे से। और यहाँ पे देख पाएंगे कि ये लगा हुआ है, आपको मैं दिखा दूँ फिर से। देखो, ये देखो, ये सारा चीज़ सोलर पैनल से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है। आपको ये ना लगे कि हम बाहर से इसमें करंट दे रहे हैं, तो मैं देखो वहाँ पे ज्वाइंट है और सोलर पैनल पे वहाँ देखो ज्वाइंट है, ठीक है। फिर ये सॉकेट है, सॉकेट से हमने ये ड्रिल मशीन यहाँ पर जोड़ लिया है। अब चलिए हम इसको होल करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे। देखो, ये होल हो रहा है, अच्छे से होल हो रहा है, और यहाँ पे देख पाएंगे तुरंत इसको होल्ड कर दिया। देखो, तुरंत ही बाहर निकल जाओ। देखो देखो, तुरंत ये होल्ड कर रहा है इसको। देखो, जैसे जिस तरह हम अल्टरनेटिंग करंट में होल्ड करते हैं, वैसे ही देखो इसको होल्ड कर दे रहा है ये प्लाईवुड को। जस्ट जैसे ही हम इस पर डाल रहे हैं, देखो ये होल हो जा रहा है। हम इससे प्लाईवुड को होल्ड कर सकते हैं सिर्फ एक सोलर पैनल के हेल्प से। देखो, हमने यहाँ पे होल किया, आपको फिर से एक बार करके दिखाऊंगा। देखो, ये देखो, देख रहे हो, तुरंत ये होल हो जा रहा है। देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, ये तुरंत ये होल हो जा रहा है, एक सोलर पैनल से हम इस पर होल कर पा रहे हैं। आपको मैं फिर से दिखा दूँ, देखो यहाँ पे लगा हुआ है सॉकेट, वहाँ देखो तार लगा हुआ है, और वहाँ देखो सोलर पैनल पे लगा हुआ है। आपको ये ना लगे कि हम एसी अल्टरनेटिंग करंट से ये चीज़ चला रहे हैं। चलो, अब हम क्या करते हैं, इससे यहाँ पे हमें ईंट को होल करके देखते हैं ये होल हो पाता है कि नहीं। देखो, आपको मैं दिखाऊँ, देखो ये अच्छे से होल हो पा रहा है। मैं अगर नज़दीक से आपको दिखाऊँ, नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे ये होल कर दे रहा है इसको।
देखो मैं इस वाले A2 को भी होल करता हूँ। देखो कहीं भी होल करूँ मैं, देखो ये तुरंत ये होल कर देगा, देख पा रहे हो? चाहे ईंट को हो या फिर लकड़ी, प्लाईवुड हो, लकड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, ये अच्छे से उसको देखो यहाँ पे एक सोलर पैनल के हेल्प से हम इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्टरनेटिंग करंट मान लो नहीं है, एसी करंट नहीं आ रहा है, तब भी आप सोलर पैनल से ही होल्ड कर सकते हो, कोई भी चीज़ चला सकते हो एक सोलर पैनल से। तो आज के वीडियो में ये प्रैक्टिकल हमने टेस्टिंग किया कि एक सोलर पैनल से हमने लगा के देखा। यहाँ देखो बाईफेसियल सोलर पैनल है और यहाँ पे हम देख पाएंगे हम कि बस जिस तरह एसी से चलने वाला ड्रिल मशीन है वैसा स्पीड तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा स्पीड दे रहा है ये। आप आवाज़ भी सुन पा रहे हो, ये देखो आवाज़ सुनो, देखा आपने? ड्रिल मशीन चला सकते हैं और उससे अच्छा खासा वर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में तो हमने ये चीज़ ट्राई किया, टेस्टिंग किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक से, तब तक के लिए टेक केयर।